तो इस बार AEW की व्यूअरशिप आई है 1.2 मिलियन, मतलब यार बहुत ज्यादा। वेल तो हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ न्यूज़ के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो फर्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वेल फर्स्ट न्यूज़ जो कि स्मैकडाउन की तरफ से आ रही है, तो स्मैकडाउन में हमें एक न्यू कमेंटेटर देखने को मिलेंगे। वो न्यू कमेंटेटर हमें कल के स्मैकडाउन से देखने को मिलेंगे, और वो न्यू कमेंटेटर और कोई नहीं, पैट मैकाफी है। पैट मैकाफी जो कि ज्वाइन करने वाला है स्मैकडाउन को इस फ्राइडे से, एंड वो इस हमें फ्राइडे से जो कि हमें देखने को मिलेंगे स्मैकडाउन में, एंड वो कमेंट्री करते हुए हमें नजर आएंगे। वेल तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा स्मैकडाउन में उनको कमेंट्री करते हुए। वेल जो कि इंटरेस्टिंग कमेंट्री होती है, तो वेल आई थिंक मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होगा। वेल तो नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिली जो कि अलेस्टर ब्लैक से। वेल तो अलेस्टर ब्लैक के इंस्टाग्राम पे हमें बहुत ही बेस्ट थिंग देखने को मिली, जहां पे अलेस्टर ब्लैक ने एक वीडियो मतलब डाला है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जहां पे उन्होंने टीज करते हुए हमें दिखाई दिए जो कि मे बी उनका हमें WWE का रिटर्न बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। वेल क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पे उनके जो कि हमें एक वीडियो पैकेज देखने को मिला जिसमें वो मतलब WWE सुपरस्टार से लड़ रहे थे, एंड बहुत ही कुछ हमें ट्रेलर जैसा देखने को मिला। तो वेल वहाँ से बहुत ही ज़्यादा साफ हो चुका है कि हमें जो कि अलेस्टर ब्लैक का एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, एंड वो नया कैरेक्टर बहुत ही बेस्ट हो सकता है, एंड यार थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना, एंड बहुत ही स्ट्रांग हमें जो कि नया कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। एंड उन्होंने यहाँ पे बहुत ही बार मतलब टीज करते हुए हमें दिखाई दिए हैं, एंड इसके पहले तो हमें पोस्ट करते हुए दिखाई दिए थे, तो वेल यहाँ पे हमें वीडियो पोस्ट करते हुए दिखाई दिए, एंड जो कि बहुत ही बेस्ट थिंग है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि वेल अलेस्टर ब्लैक के साथ WWE करती क्या है, एंड उनका मतलब कैसा हमें रिटर्न देखने को मिलता है जो कि इंटरेस्टिंग होता है। वेल कैसा होता है? वेल बहुत सारे सुपरस्टार्स तो रिलीज हो गए हैं। वेल WWE के पास अलेस्टर ब्लैक के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। वेल इसी वजह से जो कि WWE ने रिलीज नहीं किया अलेस्टर ब्लैक को, क्योंकि यार अलेस्टर ब्लैक सच में एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार है, तो मे बी मुझे नहीं लगता कि WWE को रिलीज करना ही अच्छी बात होती। वेल यहाँ पे जो कि अच्छी बात है कि यहाँ पे अलेस्टर ब्लैक हमें देखने को मिलने वाले हैं, एंड अलेस्टर ब्लैक का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा जो कि मे बी हमें कभी भी देखने को मिल सकता है, मे बी कल के स्मैकडाउन में, या फिर मे बी हमका रिटर्न होते हुए दिखाई दे जाए, या फिर कभी हमें रॉ में, वेल रॉ में भी हमें रिटर्न होते हुए दिखाई दे सकता है। वेल लास्ट टाइम जो कि अलेस्टर ब्लैक जो कि स्मैकडाउन को छोड़ के गए थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा चांसेस लगता है कि हमें जो कि अलेस्टर ब्लैक का रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो मे बी हमें जो कि हमें देखने को मिल सकता है स्मैकडाउन के अंदर। तो वेल इसके ऊपर आपके क्या कहना है? वेल तो नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि हमें रोंडा राउजी के रिटर्न से हमें पता चली है। तो रोंडा राउजी को हाल ही में एक पॉडकास्ट में पूछा गया था कि वेल रोंडा राउजी कब WWE में अपना रिटर्न करने का मन बना रही है। वेल तो इस चीज़ को रोंडा राउजी एड्रेस करते हुए उन्होंने बताया कि वेल मैं तभी WWE में जो कि रिटर्न करूंगी जब हमें फैंस का रिटर्न देखने को मिलेगा, वो भी अच्छे खासे तरीके से, एंड जैसा कि हमें रेसलमेनिया में देखने को मिला था। वेल जब से हमें फैंस अच्छे से देखने को मिलेंगे, तो वेल रोंडा राउजी चाहेंगी कि तब से मैं भी अच्छे से रिटर्न हो जाऊं। वेल मतलब हमें होप मिल गया कि यहाँ पे जब भी फैंस अगर मतलब अच्छे से रिटर्न हमें होते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वेल मे बी हमें वहाँ से रोंडा राउजी भी रिटर्न होते हुए दिखाई दे जाएंगी। तो वेल जो कि देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। वेल जो कि रोंडा राउजी ने भी अपना मतलब डेट तो बता ही दिया, जैसे कि अगर कभी फैंस हमें देखने को अच्छे खासे मिल गए तो वो भी हमें रिटर्न होते हुए दिखाई दे जाएंगी। एंड रोंडा राउजी के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो उन्होंने अपने इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया, उन्होंने कहा कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी करवाने वाली हूँ, जो कि देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग हमें जो कि बैकी लिंच की तरफ से देखने को मिल रही है, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा होप लगाए जा रहे हैं कि हमें बैकी लिंच का बहुत ही जल्दी रिटर्न देखने को मिल सकता है। वेल इसके चांसेस भी हमें तब देखने को मिले थे जब जो कि बैकी लिंच ने हमें टीज करते हुए दिखाई दी थी, जहाँ पर उन्होंने टीज किया था रेसलमेनिया नाइट वन के दिन भी, एंड नाइट टू के भी दिन पे भी हमें रेसलमेनिया में वो टीज करते हुए दिखाई दी थी, बट हमें वहाँ पे रेसलमेनिया में हमें रिटर्न करते हुए दिखाई नहीं दी बैकी लिंच। वेल जो कि एक्चुअली WWE के प्लान थे वहाँ पे बैकी लिंच के रिटर्न करवाने के, बट हमें वहाँ पे रिटर्न देखने को नहीं मिला, एंड मे बी यहाँ पे हो सकता है कि हमें जल्द ही जो कि बैकी लिंच का रिटर्न देखने को मिल जाए। वेल तो इन सभी न्यूज़ के ऊपर आपका क्या कहना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हो। एंड सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। I played it in a